नया एल्गोरिथम को कम से कम 20% बढ़ाना चाहिए। उम्मीद है बहुत हो गया, अब हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। आज का दिन अच्छा है सर, मैं इसे फील कर सकता हूँ, सिस्टम भी ठीक है। एक्सेलेंट, फेज टू के लिए प्रोसीड करो। अब हम प्रोटोकॉल शुरू कर रहे हैं। ड्रोन्स रिलीज कर रहे हैं। वो हवा में है। पहला डेटा बर्स्ट आ रहा है, 3, 2, 1। लिटिल ब्लू में डेटा स्ट्रीम पाइपिंग किया जा रहा है। प्रेडिक्टिव मॉडल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम संभालो। ठीक है, हम सब जिंदा हैं। तो आपको इसका अंत कैसा दिखता है मेजर? अच्छा दिखता है, ट्रांसमिशन भी साफ है। Statical accuracy 42%, 44, अब 48%। लगता है हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं मेजर। ट्रैकिंग, क्या वो तुम्हें दिख रहा है? लगभग 3000 मीटर, 10 o'clock, 18 degrees east, 52%। चलो आगे बढ़ते हैं। Hold on. Now 55%. ड्रोन सब 35% पे है। 30 सेकंड में हमें डेटा ट्रांसमिशन शुरू करना होगा। Just hold on. 57% पे टारगेट रुक गया है मेजर। हमारे पास वक्त नहीं है, चलो इसे करते हैं। हाँ, तुम लेटरल कंट्रोल बढ़ा दो अभी। हमारे पास एक्सेलरेशन है मेजर। हवा की गति 11% से ज्यादा हो चुकी है सर। 11%, आउटस्टैंडिंग। चलो इस प्लेन को उड़ाते हैं। पॉजिटिव, अगले फेज में बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। एक्सेलरेशन अप हो रहा है मेजर। वेलोसिटी 18% पर है। 18%? ये मॉडल की तुलना में ज्यादा है, क्या कोई दिक्कत है डॉक्टर? अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं मेजर। अब हम 23% पर पहुंच गए। ग्राउंड स्पीड 735 मील पर आवर। तुम लोग अब प्लेन की क्षमता से आगे बढ़ रहे हो, बंद करो इसे। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमारी स्पीड बढ़ते ही जा रही है। जेट स्ट्रीम की इंटेग्रिटी से समझौता किया जा सकता है, सभी अपने सीट पर बैठ जाइए। लॉक कर लो। स्ट्रीम से निकलना होगा, अभी शटडाउन प्रोटोकॉल शुरू करो। इससे निकलने के लिए हमें और ज्यादा पावर चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, देखते हैं कि हम इसे कर पाते हैं या नहीं। आप वहां जाइए, बस मैंने अपना एनालिसिस भेज दिया। एक्सीलेंट, हम समीक्षा के लिए इसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए मिस्टर और मिसेस अज्ञात, आप जो कोई भी हो, मुझे इस आम चेयर पर आपने एनालिसिस करने के लिए बिठाया है, इसकी टीआरपी गिरती जा रही है। सच में हमें ग्राउंड पर जाकर ऑब्जर्वेशंस करने की जरूरत है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं देख सकता हूं कि इनमें से एक विसंगति इसके करीब आ रही है। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कह सकता हूं, इसे हंच कह लीजिए। जो भी हो, ये एक आइडिया है। वहाँ हम एक साथ जाएंगे तो कैसा रहेगा? हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे और आखिरकार यहाँ मिलेंगे। ऐसा अनुशासित नहीं है। Hey, honey. क्या मतलब है कि अनुशासित नहीं है? देखिए, लाइव ऑब्जर्वेशन के लिए कोई उपाय नहीं है।
इसके अलावा मैं ये जानने के लायक हूँ कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। आपको ये नहीं करने देंगे, उसी एरिया में बने रहने का सुझाव देते हैं। हनी? लेकिन क्यों, बात क्या है, आप ऐसा क्यों नहीं करने देंगे? ओह माय गॉड। हेलो, इस तरफ तुम्हारी मंगेतर। ओह आई एम सॉरी बेबी, यहाँ यहाँ यहाँ। अभी तुम किससे बात कर रहे थे? काश इस बारे में मुझे पता होता, ये वही अज्ञात कॉलर था। वो मुझे डेटा देकर मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। रियली? तुम्हें लगता है कि मैं यकीन कर लूंगी? आखिर वो तुम्हें डेटा क्यों देंगे? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हम मेरे इनपुट को महत्व देते हैं। और वो कौन हो सकते हैं? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बेबी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। शायद वो कोई क्लाइमेट रिसर्च टीम है जो कहीं फंसी हुई है और उन्हें डीप नॉलेज की जरूरत है। तुमसे? रिसर्च टीम से? मुझसे का क्या मतलब है? कुछ नहीं। मतलब एक ऐसे इंसान से जिस पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगाकर डॉक्टरेट कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया? देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा, इसलिए तुम्हें सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं। अच्छा जी। मुझे लगता है शायद वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, मैं समझ गया। अच्छा मिस्टर मंगेतर, ठीक है अब रहने दो। देखो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। केपी की और वेदरमैन के तौर पर? स्टीव, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके, तुम्हें एक नई नौकरी मिली है तो पुरानी बातें भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कई महीनों से सजीव गुत्थी पर नजर गड़ाए हूँ। मेरा भविष्य दिखाने वाला एल्गोरिथम दिखा रहा है कि वो स्पाइक करने जा रहे हैं। काश तुम ये सब भूल कर अपनी जॉब पर ध्यान देते। मेरा जॉब मौसम की भविष्यवाणी करना है एंजल। नहीं, ये एक वैज्ञानिक की नौकरी है और जो किसी और को नहीं पता वो तुम्हें पता है, मैं समझती हूँ। देखो तुम्हारा जॉब है अपनी लाइनें बोलना, और देखो तुम कितने क्यूट और फनी लगते हो, और तुम महान हो, और ये बात जैक भी जानता है, और वो जैक, तुम्हें प्लीज आ गया गधे। प्लीज इस बारे में सोचो मेरे लिए। मेरे पास, मैं स्टीम हूँ। ये हो रहा है, ये होने वाला है। तुम्हें पता है मेरा जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। विल्मर जिगमंड के साथ मैं एक ही स्कूल में गया था। विल्मर जिगमंड द ग्रेट सिनेमेटोग्राफर। उन्होंने शूट किया स्टीवन स्पीलबर्ग के लिए। स्पीलबर्ग? सच में? हाँ, और मैं शूट करता हूँ KPQR मॉर्निंग न्यूज के लिए। मैं तुम्हें सुनता हूँ भाई, जिंदगी बहुत कमीनी है। हा? उसके बाद मर जाते हैं। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ कुछ मिलेगा? देखने से तो नहीं लगता। लोई, वो देखो वहां पर घनघोर बादल। मैं जाता हूं, तुम उसी पर फोकस करो। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ ज्यादा करना था, पर वेदरमैन वाइल्ड हो गया। मुझे यकीन नहीं होता कि जैक इसके बारे में सोचेगा। मुझे कोई फिक्र नहीं जैक क्या सोचेगा। ये एक बहुत ही बड़ा स्कूप है लोई, जेट स्ट्रीम कभी बदलने वाला नहीं है, ये स्थायी है। ये तो ग्रेविटी की तरह है जो आधी रात को बंद हो गया। तो बिकने में कोई लड़कियां नहीं हैं? बस कैमरा रोल करो, अभी बादल परफेक्ट हो गए हैं। हाँ, परफेक्ट तुमने सही कहा, इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा। ओके, बेहतर होता अगर तुम मेरी बात सुनते हैं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन ये मत भूलना हम लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। लाइव? हाँ, वे चाहते थे कि ये लाइव हो। मुझे लगा कि हम सिर्फ कुछ भी रोल निभा रहे हैं। अब क्या तुम तैयार हो अपने स्टैंड अप वेदरमैन वाइल्ड हो गया के साथ? ये कहानी है जलवायु परिवर्तन की, जेट स्ट्रीम का बदलता रूप। मैं तुम्हारी परेड पर बारिश नहीं कराना चाहता, लेकिन ये PBS नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। अब स्टीव, जस्ट रिलैक्स। ओके। तुम इस बात को मत सोचो कि तुम लाइव शूट कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। विश्वास करो, ऐसा पहली बार नहीं होगा। रियली? थैंक्स लुई। कोई बात नहीं बच्चे, तुम यहाँ खड़े होने जा रहे हो। हाँ, बस आकाश में चारों तरफ घुमाना मत भूल जाना। हाँ, समझ गया, चलो शुरू करते हैं। 5 4 3। मैं उनके बस में नहीं रहना चाहती हूँ। अगर बात करें हॉट एंड वाइल्ड की, तो वो है हमारे स्टीव सनी सिम्पसन। वेदरमैन वाइल्ड हो गए एक अविश्वसनीय कहानी के लिए। सनी, बताइए वो कहानी क्या है? ये उधर वापस कैसे जा रहा है?
फाइन स्टीव, सवाल ये है कि वहाँ क्या चल रहा है? राइट अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ आधी रात को ग्रेविटी काम नहीं करती है तो क्या? वही जो मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे एक नजर देखिए। ये क्लासिक चक्रीय बादल है। ये जेट स्ट्रीम में 40,000 से 50,000 फीट के बीच मौजूद है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कटा कैसे? किस तरह का स्कूप बना है इसने? जेट स्ट्रीम, जैसा कि हमने जाना, ये मौलिक रूप से बदल चुका है। That's fascinating, Sunny. तो हम अपने फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? मेरा मतलब मौसम के लिहाज से। यहाँ से बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो क्या है? अब हम प्रेसिडेंट को क्या जवाब देंगे मेजर? थॉर के हैमर से नियंत्रण खो चुके हैं आप। नियंत्रण खो दिया? आप जो देख रही हैं वो कॉन्सेप्ट का प्रमाण है। अभी तक जितने हथियार बने हैं उसमें थॉर का हैमर सबसे शक्तिशाली होने जा रहा है। ये तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कुछ इलाका तहस नहस नहीं हो जाता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप आखिर चाहती क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि नुकसान कम होगा जितना सहन किया जा सके। आप मुझे अंडे दीजिए, मैं उनका ऑमलेट बनाऊंगा। आगे बढ़ो मेजर। यस मैम, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इन्हें होश आ गया। हे डेजी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और दोस्तों, आजकल जेट स्ट्रीम को ज्यादा ही बढ़ रहा है, और आपको सच बताऊं तो ये इस तरफ यात्रा कर रहा है, और ये ठीक हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है और बिल्डिंगों को गिरा रहा है। हे बेबी। हे। तुम ठीक हो? घर के लिए तैयार हो? क्या तुम तकलीफ भरी आंखों के लिए सहारा नहीं हो? अपना फेवरेट शो देख रहे हो? हाँ। उत्तर और पूरब के लिए मेरे पास और भी खबर है। अगर लोग बाहर जाएं तो रेनकोट पहन। ये सब गलत हो गए। उनके बारे में चिंता मत करो, ओके? जैक ने बताया कि वो लोग तुम्हारे लिए नया शो प्लान कर रहे हैं, टोनेडो मैन। क्या? बेबी, टोनेडो मैन ये तुम्हें एंकर का ट्रैक देने जा रहा है। वो टोनेडो नहीं था, एंजल। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक सेलिब्रिटी हो अब। एक सेलिब्रिटी? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम टोनेडो मैन हो। ओके, तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए, शायद तुम अकेले इंसान हो जिसने ये नहीं देखा है। लगभग 2 मिलियन व्यूज। ध्यान से
से ही एक कैसे कटा हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम जिस जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं वो मौलिक रूप से बदल चुका है। That's fascinating, Sunny. तो हम अपने फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, मेरा मतलब मौसम के लिहाज से? देखिए, यहाँ से बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन वो क्या है? अमेजिंग है ना, इसे लगभग 2 मिलियन लोगों ने देखा है। ओके वेट, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अब तुम टी शर्ट पर भी आ चुके हो। हाँ मुझे पता है एंजल, ये ग्रेट है, 1 मिलियन व्यूज है, लेकिन लोई मर चुका है। तुम सोच सकती हो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। हाँ मैं समझती हूँ। मैं खुद उसे वहाँ लेकर गया था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। बेबी वो एक्सीडेंट था। नहीं, ऐसा नहीं था एंजल। देखो मेरी बात सुन, मुझे उन अज्ञात लोगों का फोन आया था और उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि वहां मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं वहां पर गया। क्या तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने मुझे कहा कि मत जाओ। स्टीव, मैं 2 सालों से तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम्हारी जिंदगी दोबारा बनाने के लिए, और अचानक तुम्हें इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। और मुझे भी बुरा फील होता है लुई और उसकी फैमिली के लिए, समझो तुम, लेकिन अब तुम कुछ भी कर लो वो वापस नहीं आएंगे। तुम क्या बस इसी बारे में सोचोगे? मैं जा रही हूँ, पेपर रिलीज हो गया, उन्हें देखना है। ठीक है। क्या ये टॉर्नेडो मैन है? क्या मैं सम्मान दे पा रहा हूँ? हे जैक, ये सब एक साथ कैसे आ रहा है? मैं समझ सकता हूँ तुम चल फिर सकते हो, तो मैं तुम्हारे वापस आने की उम्मीद कब करूँ? मुझे हवा में जाने के लिए टॉर्नेडो मैन चाहिए। देखो तुम जानते हो मैं हवा में वापस जाना चाहता हूँ। वाह, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो लुई के साथ और सब कुछ, मैं नहीं जानता कि मैं वेदरमैन बनना चाहता हूँ। जैक, स्टीव, मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छे लोगों के साथ में ऐसा होता रहता है। अब तुम बस ऐसे ही जीना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? मैं सिर्फ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या। मेरी बात सुनो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम्हें इसका मियाज मिल चुका है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो तुम्हारे वापसी की उम्मीद कब है? टॉर्नेडो मैन कब वापस आ रहा है? जैक सुनो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। देखो मैं अभी कमिट नहीं कर सकता। ओके स्टीव, मुझसे सीधी बात करो, क्या तुम्हें कोई दूसरा ऑफर मिला है? अगर ऐसा है तो बताओ कौन है। ऐसी बात नहीं है जैक, ठीक है मुझे जाना है, चलो बाय। देखो एक सेकंड रुको स्टीव, ये CNN होगा, मैं इसे लाजवाब बनाकर रहूंगा। ये भी ना, अगर हम लोगों की बात सुनी होती तो घटना से बच जाते। हम लोग दरअसल हैं कौन, इस बात का खुलासा इस समय नहीं किया जा सकता। आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? घटना स्थल की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा तक पहुंचना होगा। आप जानते हैं कि मैंने कौन सा डेटा यूज किया? आपने भविष्यवाणी करने के लिए किस मॉडल का यूज किया? आपको मुझसे जवाब चाहिए तो पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्या मैं किसी भानु का पिटारा हूँ जिसे खोलकर वो चीज निकाल ली जाए जो आप लोगों के नियंत्रण में नहीं है? आप ये बताते क्यों नहीं कि आप लोग हैं कौन? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं वहां पर गया था, मैंने किसी को मार डाला, मुझे कुछ जवाब चाहिए, समझे? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। बस बहुत हुआ। ओ ब्लडी शेड्यूल खत्म हो गया है,
गाड़ी अभी आधी खाली है, जल्दी जल्दी इसे भरो। जब तक काम खत्म नहीं होगा यहाँ से नहीं जा सकते। जिप्सियों का अभिशाप तुम पर लग जाता। ए तुम, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से बोलकर बताना। मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ उसमें तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। जी तो करता है तुम्हारा गला काट दूं, लेकिन मुझे काम की जरूरत है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारी माँ ने भी कल रात यही कहा था। तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही। भविष्यवाणी करने के लिए कहावत है, जब इंसान भगवान को चुनौती देता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। hey! क्या तुम इसी तरह से अपनी जिंदगी बिताने का प्लान कर रहे हो? क्या कंप्यूटर के सामने टीवी पर बैठकर इसी तरह किसी लूजर की तरह? ओह कम ऑन बेबी, क्या लूजर ऐसे दिखते हैं? तुम नहीं चाहते कि मैं सवाल का जवाब दूं। hey, डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता चलने फिरने के लिए मना किया है। उसने ये दो हफ्ते पहले कहा था। ओके, जब से तुम कोमा से बाहर निकले हो तब से तुम्हें एसी का जुनून है, ना कि टोर्नेडो का। वेल, ये तो पता चला कि मेरा हंच सही हो सकता है। जेट स्ट्रीम को कुछ अस्थाई कर रहा है जिससे ये खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। ओके, रहने दो स्टीव, तुम अब कोई वैज्ञानिक नहीं हो। देखो, दरअसल मैं मीटियोरोलॉजी और एटमॉस्फेरिक इंजीनियरिंग में PhD कर रहा था। ओके, मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि मैं कोई बेवकूफ हूं। ऑलराइट, देखो आई एम सॉरी बेबी, ये सिर्फ तुम्हें पता है मैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो भी थे वो अब तुम्हें कभी वैसा नहीं करने देंगे। I'm sorry, लेकिन वो हिस्सा खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे पास एक नई जिंदगी है मेरे साथ, और तुम ये सब करने की वजह से दूर भाग रहे हो। तुम्हें YouTube पर अपने वीडियोस बढ़ाने चाहिए। Oh, come on, ये YouTube क्या तुम? नहीं, मेरा मतलब बुक डील, टीवी, कम से कम तुम स्टेशन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा कर सकते हो। लेकिन तुम कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठकर जो रिसर्च कर रहे हो उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। वो एक भयानक एक्सीडेंट था, ओके? एक टोर्नेडो ने भयंकर रूप लेकर तुम्हें चपेट में ले लिया है। एक सेकंड, अभी तुमने क्या कहा? वो एक टोर्नेडो था। नहीं नहीं, उसके बाद भयंकर महाविनाशक बनकर। माय गॉड, वो यही है, वो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। दैट्स ब्रिलियंट। क्या अभी जो तुमने कहा वो मुझे उस समस्या को हल करने में मदद करेगा जिसके लिए मैं एक महीने से काम कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, बेबी तुम्हारी कोई स्टीव, ये कितना बड़ा है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। मुझे काम पर जाना है। एंजल, क्या आप ये विचार कर रही हैं कि इसे चौपट करने के लिए मछलियों का ढेर लगाना पड़ेगा? ब्रिटिश सवाल पूछ रहे हैं। उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक प्रेरित घटना थी, और अगर ये जानकारी लीक हो गई तो हम रोड पर आ जाएंगे। और हमें इसे लीक करने की आखिर जरूरत ही क्या है? हमारी उंगलियों के निशान सामने नहीं आने चाहिए मेजर। मुझे स्पष्ट करने दीजिए, ये हथियार प्रणाली कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ती है। हम फिर से अमेरिका की राजनीतिक स्थिति को बदलने के कगार पर हैं, जहां हम फिर से बन जाएंगे अनस्टॉपेबल। अगर हम इसे डिसकंटिन्यू कर दें तो आपको लगता है चाइना, रूस के बारे में क्या? अपना डर निकालना होगा, और बस ये याद
याद रखिए कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। ये सब हम अच्छे से जानते हैं मेजर, फिर भी आपको चेतावनी देती हूँ, अगर ये सक्सेस हुआ तो सब खुद को गॉडफादर मानेंगे, और अगर ये फेल हुआ तो जिम्मेदार तुम रहोगे, समझ गए ना? समझ गया, आपके कॉन्फिडेंस के लिए शुक्रिया। मैं क्या कर सकता हूँ डॉक्टर? सिक्योरिटी स्टीव सिम्पसन के रिसर्च पर नजर रखी हुई है। द वेदरमैन? हाँ, उसे कोई ब्रेक थ्रू मिला होगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैंने इसे नीचे रख दिया है। वेदरमैन ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिसे पूरी रिसर्च फैसिलिटी नहीं कर सकी। उसने इससे भी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। बोलते रहो। जेट स्ट्रीम ने प्राकृतिक चीजों को बिगाड़ दिया जब हमने उसकी स्पीड बढ़ाई, और स्पीड बढ़ाने की वजह से ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शुरू हो गए, और ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिन पर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। डॉक्टर, मुझे ये सब पता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमने जो कुछ भी किया है वो अब लगभग बर्बाद होने वाला है। मतलब की बात करो। जेट स्ट्रीम जिस तरीके से साइकिल बना रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और ये इसी सोर्स से और भी कई सारी जेट स्ट्रीम्स बना सकता है, और ये जेट स्ट्रीम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और जैसे जैसे इसका पावर बढ़ेगा इसका साइज और भी बड़ा होता जाएगा, और ये जेट स्ट्रीम किसी भी शहर, किसी देश, किसी भी कॉन्टिनेंट, बल्कि किसी भी प्लैनेट को घेर सकता है। तो हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? शायद नहीं कर सकते हैं। नहीं, गलत जवाब। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम टिपिंग पॉइंट पास कर चुके हैं। नहीं, इसे हमने शुरू किया, हमने इसे बनाया, इसका मतलब है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेजर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्लैनेट के लोगों की लाइफ खतरे में है। तुम्हें नहीं लगता तुम पहले साइंटिस्ट हो जो ये कह रहा है कि ये दुनिया का अंत है? जब हमने एटम बॉम्ब गिराया तो सबने कहा दुनिया का अंत है। जब उन्होंने न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाया तो सबने कहा कि ये दुनिया का अंत है। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, ये दुनिया तभी खत्म होगी जब इसे खत्म होना होगा। अगर हमने इसे शुरू किया है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हम यही करने वाले हैं। मुझे लगता है मेजर कि इसे कंट्रोल करने के लिए जो चाहिए उसमें कुछ मिसिंग है। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के। मुझे सिम्पसन की मदद चाहिए। फिर वही वेदरमैन। जब वो तुम्हें देखता है तो कैसा फील करता है? जब वो देखेगा कि उसकी जिंदगी के सपने को वेपनाइज्ड किया जा रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? उसे बस ये समझाना होगा कि इससे पूरी दुनिया का भला होगा। हमने ये सब इसलिए बनाया ताकि रेगिस्तान में बारिश कराई जा सके। वो मेरी प्रॉब्लम है। नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं तुम्हारा बोझ नहीं ढोना चाहता। फाइन, हमें सिम्पसन को लाना होगा। वेदरमैन को बुलाओ। आज सिएटल में धूप खिली है, तो चलिए एक नजर देखते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कैसी होती है और सुबह के ट्रैफिक की रिपोर्ट कैसी है। स्टीव? हाँ, मैं यहाँ हूँ। मैं अपनी मेज पर ही सो गया था। बेबी, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए था। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है मैं अभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि मैंने आज कुछ किया। हाँ, क्या है वो? मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं जैक से बात करने जा रहा हूँ, और शायद हम लोग इस टॉर्नेडो के साथ लंच करेंगे। तुम जानती हो, शायद वो मुझे एक शो देगा। मैं इसे कुछ मज़ेदार तथ्यों के साथ उसे और मज़ेदार बनाऊँगा। तुम जानती हो, उस वेदरमैन वाइल्ड हो गया, मैं कुछ चीज़ें मिलाऊँगा। सुनने में तो मज़ा आ रहा है बेबी। ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन क्या तुम ऊपर आना चाहोगे मेरे लिए? रुको।
ब्रेकफास्ट लोगे? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। मैं जैक से क्लोज होने जा रहा हूँ, तुम्हें पता है? ये हुई ना बात। देखो मैंने कहा था ना, पुरानी बातें भूलना अच्छा है। हाँ तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या हो सकता है? इस दुनिया का अंत। वेल ऐसा नहीं है। मैं क्या सोच रहा था। है क्या तुम ग्रीन ट्रेवन में लंच करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। देर मत करना ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, क्या आप स्टीफन सिम्पसन हैं? जी हाँ। मैं एजेंट बो हूँ, आपको हमारे साथ चलना होगा। हे स्वीटी, सीट बुक कराना मत भूलना वरना प्रॉब्लम होगी। हाँ जरूर, मैंने कवर कर लिया है तो इतनी मेहनत मत करो। क्या अभी चलना? यस सर। लेकिन बात क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, आप समझ रहे होंगे। किससे बात कर रहे हो स्वीटी? मैं बस खुद से ही बात कर रहा हूँ बेबी। तुम जानती हो ना, मैं सुबह खुद से थोड़ा होता रहता है ये। हमें चलना होगा सर। ठीक है, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। ओके तुम जानती हो क्या मजेदार ये है कि मैं सोच नहीं सकता, लेकिन हम लंच नहीं करेंगे। क्या है ये? ये जैक है, वो वहाँ उस नए शो के लिए कुछ आइडियाज चाहता है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि हम भी वहाँ आ रहे हैं? तुमने मुझे सुबह ही बताया। ये देखो, मैं जानता हूँ ये सिर्फ क्रेजी कोइंसिडेंस है, ग्रेट माइंड ऐसा सोच सकता है, तुम जानती हो। राइट, ओके लव, गुड लक। ठीक है तो मुझे जाना होगा, आई लव यू, बाय बाय। कोई भी बाहर का कम्युनिकेशन नहीं। यार तुमने अभी मेरे गर्लफ्रेंड के कॉल को काट दिया, तुम्हें पता है वो क्या सोचेगी? तुम जरूर सिंगल फेल होगे। जरूर, एक बार इस पे नजर डालिए। वाओ, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट सिर्फ मेरे लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है, मेडिसन विस्कंसिन का मिडवेस्टर्न शहर आज पूरी तरह से नक्शे से गायब हो गया है, और जानकारी ये भी मिली है कि ऐसा एक शक्तिशाली टोर्नेडो की वजह से हुआ होगा, और ये थोड़ी देर पहले ही नीचे आया था। काफी नुकसान हुआ है मेजर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपने बिग बॉय पेंट को संभालो और काम पर पहुंचो। आगे की न्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ये कैसी जगह है? ये ऑपरेशन रूम है। लेकिन किस लिए? क्यों ना तुम अपने दोस्त से जाके पूछ लो, वो तुम्हें अच्छी तरह से बता देगा। हेलो स्टीव। वाह, अब जाकर समझ में आया कि मेरे सब्जेक्ट के बारे में कौन जानता था, लेकिन वो समझ नहीं सका और उसे चोरी करनी पड़ी। हाँ मैंने कोई चोरी नहीं। रियली? तुम जानते हो हम 6 साल के लिए पार्टनर थे, तुम मेरे दोस्त थे और तुम बदल गए, और सरकारी पेपर चोरी होने का इल्जाम तुमने मुझ पर थोप दिया। साहित्यिक चोरी, तुमने मेरे खिलाफ टेस्टिफाई भी करवाए। ये इतना आसान नहीं था स्टीव। मैं अनुमान नहीं लगा सका क्योंकि तुम लापता हो गए। तुम्हें पता है लोग घर वापस आ गए,
दरअसल उन्हें लगा कि तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, लेकिन तुम पूरा समय यहीं पर थे, वहां पर जहां हम लोग कुछ सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। हम लोगों के लिए जो कर रहे थे तुम उसे पब्लिश करना चाहते थे, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गवर्नमेंट तुम्हें इतनी बड़ी पावर देगी? डेनियल, तुमने जो कुछ भी किया हो, कहीं तुमने उसे हथियार का रूप तो नहीं दे दिया ना? मैंने कुछ बेहतर ही किया है, दुनिया में इंसानों की भलाई के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। सही कहा। तो अब तुम्हें दिलचस्पी बनानी होगी मिस्टर सिम्पसन। और तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? मेजर निकोलस शॉ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। जिन बोतल से बाहर आ गया है, इसलिए तुम दोनों साथ काम कर सकते हो या साथ में मर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। स्क्वायर मील अभी नक्श से गायब हो गया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? Well, जब तुम बहादुर लोग जेट स्ट्रीम की स्पीड बढ़ा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायनेमो क्रिएट हो गया। वो जितना तेज गति से बढ़ता है उतना ही ये एनर्जी पैदा करता है, लेकिन रियल डायनेमो की तरह नहीं। यहाँ 40,000 फीट पर धीमा करने के लिए घर्षण नहीं हो पाता है। इसकी बजाय सूरज की गर्मी के प्रभाव और पृथ्वी के रोटेशन की वजह से ये नेचुरली पुश हो जाता है। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। हाँ, वेल, अगली बार अगर तुम लोग चाहो तो ये ग्रह बर्बाद कर देना। ओह, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें मजाक लग रहा है मिस्टर सिम्पसन? मेरी तरफ देखो, फोकस। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं और पता करते हैं इसे कैसे कंट्रोल करें। सवाल ये है कि तुम लोग उसे कैसे रोकोगे जो चीज नहीं रुकने वाली। That's it. मैं समझ गया। अब जेट स्ट्रीम को एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है और वो है खुद ही जेट स्ट्रीम। हमें स्ट्रीम के एक हिस्से को चीरना होगा, उसे मोड़ना होगा, फिर उसमें मेन करंट से वापस कनेक्ट करना होगा। तो इसे यू टर्न लेकर फिर से मेन स्ट्रीम में लाना होगा। ये तुम्हारा आइडिया है? हाँ जीनियस, कभी कभी साधारण सी चीज बेस्ट काम दे जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। अगर तुम डायनेमो इफेक्ट को अकाउंट में ले आए और उसका एल्गोरिथम बना दिया तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास सैकड़ों साइंटिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन, सालों से इस पर काम कर रहे हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सही हो? एक हंच। द हंच, एक वेदरमैन का इंट्यूशन। चलो काम पर लगते हैं। तुम सब इसके लिए तैयार हो? यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बड़ा प्लेन है। ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें बोला था ना बाहर का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं। कम ऑन यार, मुझे जरा कॉल बैक करने दो प्लीज, वरना वो पागल होने लगेगी। मैं जब भी उसका फोन कट करता हूँ वो नाराज हो जाती है। प्लीज, पहले भी कार में फोन कट कर दिया था। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं उसे बता सकता हूँ कि मैं काम में बिजी हूँ, लेकिन बार बार कट करना ये उसके लिए गंभीर अपराध है। मिस्टर स्टीव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। सच कहूं तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
प्रेसिडेंट, वो नहीं है। वो फोन करती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं उसका कॉल कट कर रहा हूँ, ना कि गोली मार के उसे सजा दे रहा हूँ। मेरी बात सुनो, वो फोन कंपनी को फोन करके इस नंबर को ट्रेस करने के लिए कह देगी, तुम्हें वैसा करने की जरूरत नहीं है। बात चाहे जो भी हो, मैं सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम यहीं बैठकर वो सब कुछ सुनो जो मैं बोलूंगा। अगर मैंने कुछ गलत बात कह दी तो तुम मुझे गोली मार दो, तुम मुझे गन पॉइंट पर ले लो, या जो चाहे वो सजा दे सकते हो। मुझे गुस्सा मत दिलाइए मिस्टर चीफ, आपने जो कहा वो सच नहीं हो सकता और ना ही इसके करीब। ठीक है, ठीक है, प्लीज थैंक यू। हे बेबी, स्टीव, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारे ऑफिस में कॉल किया था, तुम पूरा दिन वहाँ नहीं थे। तुम जानती हो, कुछ जरूरी काम है। स्टीव, ओके ठीक है, हनी, मैं जरा मीटिंग में हूँ। तो तुम मीटिंग में हो? अभी रात के 10 बज गए हैं, कौन है तुम्हारे साथ? Well, ये बोलिवियन कॉफी मैग्नेट ह्यूगो चावेज, ये चाहते हैं कि मैं इनकी दुकान पर से फ्लाइट उड़ाऊं और पता लगाऊं कि मौसम पैटर्न कैसा बन रहा है। क्या तुम अभी सीरियस हो स्टीव? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। लानत है। ये आवाज कैसी है? क्या तुम एयरपोर्ट पर हो? हाँ, मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ बोलिविया के लिए। ह्यूगो चावेज के साथ? ओके स्टीव, क्या तुम उस लड़की के साथ हो? या कोई लड़की नहीं है, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ कि मैं तुम... राइट स्टीव, ओके। तुम्हें एक बार मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। या कोई लड़की नहीं है, ओके, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम एग्जैक्टली कहाँ हो। मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। किस एयरपोर्ट पर स्टीव? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कौन से एयरपोर्ट पर हूँ। क्यों, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? चलिए स्टीव, आपका टाइम पूरा हो गया। अच्छा सुनो बेबी, मुझे निकलना होगा, मैं कल घर आ सकता हूँ। आई लव यू सो मच, ओके बाय। स्टीव, क्या अब बेहतर महसूस हुआ? हाँ, जस्ट ग्रेट। लगता है मिस्टर सिम्पसन की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है। अभी जेट स्ट्रीम पश्चिमी तट की तरफ मुड़ रहा है, हमारे पास सिर्फ एक शॉट है, चलो इसे शुरू करते हैं। फेलियर ऑप्शन नहीं है। चलो मुझे दो, कम ऑन, ये लो, हाइड्रोलिक्स चेक करो। चेक, ठीक है, उसे 20 डिग्री नहीं चलाओ। ओके, चलो चेक। चलो अब उड़ने की तैयारी करते हैं। कन्वर्जन सेंटर पे कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। ऊंचाई 10,000 फीट, स्पीड 350 माइल प्रति घंटा। ये काम मुश्किल है दोस्तों, कमर कस लो। क्या हम गलत रास्ते से जा रहे हैं? लेकिन हम लोग सुरक्षित रहेंगे? ये बड़ा जेट है, अगर ये फोर्स से टूट भी गया तो ये हैंडल हो सकता है। हाँ, क्योंकि इस प्लेन को इसी के लिए बनाया गया है। परेशान मत हो। ग्रेट, मैं पहले से ही सुरक्षित फील कर रहा हूँ। यहाँ ये जैम स्ट्रीम कन्वर्जन अभी आगे होने वाला है, सब कोई नीचे जाने की खुशियाँ मनाओ। ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ वापस आ गए। कम ऑन बेबी, कम ऑन, रुक जाओ, मुझे 10 डिग्री का फ्लैप चाहिए। 10 डिग्री जनरेटर 3 और 4 में मुझे पावर जाते हुए दिख गया, आप इन्हें ऑफलाइन करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं उड़ान को जारी रखूंगा।
स्टीव वहां पर क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये बिजली के शॉर्ट से मरना चाहते हैं। ओ गॉड, उसकी पल्स चेक करो। नो पल्स, सीपीआर शुरू हो रहा है। आप ये गलत कर रहे हैं। मुझे मिल गया है भाई, मैंने इसे खाड़ी के ऊपर देखा था। हटिए। कम ऑन। हम मुड़ चुके हैं, इसे हेल्प की जरूरत है। He is no more. Oh, come on. लोग मर रहे हैं सिर्फ इस वजह से मिलिट्री ऑपरेशन बंद नहीं किया जा सकता है। मैं बॉडी को संभाल लूंगा, आप लोग अपने वर्क स्टेशन पे जाइए। जाइए अभी। मिलिट्री मिशन। ये पूरी तरह से हथियार है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो रेगिस्तान में बारिश करा सके। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। तुमने मेरे काम को एक लोडेड गन में बदल दिया। वो वैसे भी इसे चुराना ही चाहते थे आम लोगों के लिए। मैंने कोशिश की लेकिन मैं गलत था। अरे यार, तुम शुरुआत से ही सही थे। बहुत पावरफुल है ये। बिल्कुल करप्ट। तो यही है जेंटलमैन, जेट स्ट्रीम के लिए ग्राउंड जीरो, सिएटल, वाशिंगटन, फिर प्रशांत महासागर के तट से होता हुआ साउथ बाउंड। अभी नहीं तो कभी नहीं। कॉपी। गेम टाइम। टारगेट एरिया अभी 20,000 मीटर पे है और 10 बज रहे हैं। टारगेट के करीब आ रहे हैं। हम टारगेट के पास हैं। डिस्पर्स शुरू कर रहे हैं अभी। रिलीज कर दिया है। वो जा चुके हैं। पहला डेटा बस्ट आ रहा है। 3, 2, 1। लिटिल ब्लू में डेटा जा रहा है। वाओ, एक्यूरेसी 64% बढ़ रही है। 68%। हमने जितना अचीव किया था ये उससे ज्यादा हो चुका है। ये वेदरमैन तो सच में काम का है। बहुत खूबसूरत। ये डिटेल का स्टार तो अमेजिंग है। कमाल का है सच में ना। 75% अभी बढ़ रहा है। हम 80% एक्यूरेसी पे पहुंच गए हैं। हमें इसे खींचकर बाहर कर देना चाहिए जेंटलमैन। गुड वर्क। तुम्हारे बाद वो हाई स्कूल का नाम रखेंगे, फुटबॉल स्टेडियम्स। 120 सेकंड्स बाकी हैं बस। कॉपी, लेकिन अब ये बंद हो रहा है, कॉन्टैक्ट टूट रहा है। लेकिन हम सिर्फ 81% पर ही हैं। 81% भी अभी तक का हाईएस्ट है। बल्कि नॉर्मली अगर हम 60% भी पहुंच जाएं तो हम इसे सक्सेसफुल मानते हैं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, प्रॉपर्टी बर्बाद होना कभी तुम लोगों के लिए कुछ इशू ही नहीं था। मजाक मत करो। वो लोग स्ट्रीम को लोड कर रहे हैं सर। ठीक है, चलो दुनिया को बचाते हैं। हम फिर से वहीं जा रहे हैं। हम स्ट्रीम को कंट्रोल कर चुके हैं, फिर से उसी पोजीशन पर जा रहे हैं। डैन, मुझे लगता है हम एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। सब अच्छा चल रहा है, हम मिशन पैरामीटर के दायरे में हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। हमारी एक्यूरेसी कम हो रही है, अब 73% है, नहीं 64%। हम जेट स्ट्रीम पर कंट्रोल खो रहे हैं।
हमारा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। फेलियर ऑप्शन नहीं है। कोशिश करते रहो, रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पास एक नहीं है। सिस्टम लॉक हो चुका है। कटा हुआ हिस्सा किसी का भी तालमेल खो सकता है। मैं लिटिल ब्लू को ऑफलाइन कर रहा हूँ। क्यों? अब तुम्हें प्लाज्मा डिस्चार्ज पर कंट्रोल करना होगा, वो भी अपने हाथों से। हाथों से? ब्लू हर सेकंड ट्रिलियन ऑपरेशन बनाने जा रहा है। लिटिल ब्लू एक कंप्यूटर है, तुम जहाँ भी पॉइंट करोगे वो फायर कर देगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसे कहाँ पॉइंट करना है। करो स्टीव, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं एक वेदरमैन हूँ। अरे सोचो मत करो। ये बेतुका है, ये काम नहीं कर रहा है। कोशिश करते रहो। कुछ ही सेकंडों में ये हम तक पहुंच जाएगा। दोस्त, ये काम नहीं कर रहा है। मैं बस एक इंसान हूँ भाई। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना कि हम एक आंधी से गुजर रहे हैं। मुझे पता है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो वेस्ट कोस्ट के सारे शहर उजड़ जाएंगे। सिएटल ग्राउंड जीरो पर है, इसलिए कम ऑन। मुझे पता है, मुझे पता है क्या हो रहा है। ये बस असंभव है। नो वे। हे, मैंने कहा तुम उसे जवाब नहीं दोगे। ये एंजल है। मजाक मत करो। ये किस तरह की सर्विस है तुम्हारे पास? हे बेबी, इतनी आवाज किस चीज की है? स्टीव, प्लीज तुम बताओगे तुम कहाँ हो? काश मैं बता सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किसी सीक्रेट मिशन पर हो? एंजल, सब कुछ ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है स्टीव। तुम इस तरह से झूठ बोलकर मुझे हर्ट कर रहे हो, और तुम बता भी नहीं रहे हो कि तुम कहाँ हो। हे एंजल, मेरी बात सुनो। देखो, जब तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तब कॉल करो। नहीं 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 एंजल, एंजल, लानत है, लानत है। एंजल जा रही है। हाँ, जैसे वो बहुत बड़ा सरप्राइज हो। स्टीव, चलो फिर से करो। फिर क्या करूं? स्टीव, एंजल तुम्हें छोड़ रही है ना? हाँ। तो तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं पागल की तरह फील कर रहा हूँ। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, राइट? हाँ, सच में गुस्सा आ रहा है। और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारा सारा काम छीन लिया, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? हाँ, इससे सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझे बर्बाद किया, तुमने मुझे बाहर भेज दिया। और क्या? बताओ मुझे। एजेंट वो वहाँ वापस आ जाओ। ये मुझे बर्बाद कर रहा है, ये कमीना है। चेहरे पर झूठी मुस्कान रहता है। और तुम्हें किस पे गुस्सा आता है? इस मिशन से मैं बर्बाद हो गया। और वो वेदर स्टेशन, KPQR और जैक, वो आदमी जो मुझे वेदरमैन वाइल्ड बनाना चाहता है, वो दरअसल मुझे पागल बनाता है। जेट स्ट्रीम के बारे में क्या? क्या उससे भी नफरत करते हो? जेट स्ट्रीम मुझे पागल बनाता है। मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मैं जेट स्ट्रीम से नफरत करता हूं। नफरत करते हो उससे? जेट स्ट्रीम से नफरत करता हूं। बहुत सही, तुम नफरत करते हो जेट स्ट्रीम से। चलो दिखा दो। जेट स्ट्रीम से नफरत है मुझे। नफरत है, नफरत है। जेट स्ट्रीम से नफरत है मुझे। शायद ये काम कर रहा है। नाइस। ये काम कर रहा है स्टीव, ये काम कर रहा है। जेट स्ट्रीम दोबारा डाइवर्ट हो रहा है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ।
चलो यहाँ ये लॉलीपॉप लाते हैं बेबी। चलो अब इसका पूरा कंट्रोल लेना शुरू करो। ये काम कर इसे चारों तरफ लाओ, इस लॉलीपॉप को चारों तरफ लाओ। ये आइडिया काम कर गया। एक्सीलेंट जेंटलमैन, ये काम कर रहा है। हमारे मिशन पैरामीटर्स ठीक हैं। अब हम फेज 3 पर जाएंगे। चलो अब आमना सामना करते हैं। चलो हम तैयार हैं। अपनी सीट बेल्ट लगा लो, जल्दी करो। हमारा स्टेटस क्या है? जेट स्ट्रीम नॉर्मल हो रहा है। कंफर्म करो प्लीज। कंफर्म सर, जेट स्ट्रीम नॉर्मल हो रहा है। नाइस वर्क, नाइस वर्क एवरीबॉडी। मैं अपने ऑफिस में हूँ। यस सर। ओह, गुड जॉब। हमने कर दिया, हमने कर दिया। हाँ, हमने कर दिखाया। वू! विश्वास नहीं हो रहा है। क्या? क्या? हमारी एक्यूरेसी अब 99% है। एक्यूरेसी? इतना कैसे पॉसिबल हो सकता है? लिटिल ब्लू ने तुम्हें कॉपी किया। इससे डायनेमिक एयर फ्लो मॉडल सॉल्व हो गया पूरी तरह से। एक्सेलेंट वर्क मेजर। अभी जो होने जा रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? मतलब हम पीछे से नीचे तक हेड कर रहे हैं। हाँ, हम पीछे से नीचे तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हथियार प्रणाली को हेड कर रहे हैं। जो होने जा रहा है उसके बारे में क्या सोचते हो? एक आदमी अभी अभी मरा है और कैप्टन अमेरिका ऐसे खेल रहा है जैसे कोई रोड पर टक्कर हुई हो। तुम्हें लगता है वो हमें फिर नियमित जिंदगी वापस देने वाला है? मेरी जिंदगी नियमित नहीं है। मेजर, यहाँ एक सुरक्षा इशू हो गया है। ग्रीन लाइट के लिए अनुरोध कर रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम लिटिल ब्लू को सुरक्षित रखो और डेटा को सिक्योर करो। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर्जेंट, एक हाई स्पीड सेफ चैनल खोलो। हम डेटा डाउनलोड करने जा रहे हैं। यस सर। मेरी बात सुनो, हमें यह कभी पता नहीं चलेगा कि वो इसे कहां और कब प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम कभी उस बेस पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। जेंटलमैन, हमें ऑर्डर मिला है कि एक सुरक्षा चैनल खोलेंगे और नीचे से पीछे तक के सभी डाटा लिटिल ब्लू में अपलोड करेंगे। लेकिन क्यों? इस टर्मिनल से बाहर जाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। डॉक्टर बॉग, अपलोड शुरू कीजिए। डैनियल, डैनियल ऐसा मत करो। एक बार उन्हें डेटा मिल गया तो वो हम दोनों को मार देंगे। हे सिम्पसन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने दुनिया को बचाने में मदद की, तुम्हारे देश को तुम पर नाज है, ये सब क्यों सोच रहे हो? मेजर की बात सुनी? एक बार मेरा काम चुराने के बाद मेरी जान की क्या गारंटी दे सकते हो? ठीक है, ओके 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 ओके। डॉक्टर बॉग, अपलोड शुरू कीजिए अभी। ये एंजल है। Oh!
गोली की आवाज है, पीछे जाकर देखो क्या हो रहा है। अगली गोली सीधा तुम्हारे सीने के पार जाएगी, तुम समझ रहे हो ना स्टीव? आखिरी बार आपसे बोल रहा हूं डॉक्टर बॉग, अपलोड शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा किया। हे जिम, यहां क्या चल रहा है? मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। सब कुछ ठीक है लेफ्टिनेंट, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। इसे फेंको। मैंने कहा इसे फेंको। बंदूक नीचे रखो। इसे नीचे रखो, कसम से, वरना गोली मार दूंगा। नीचे रखो इसे, वरना गोली मार दूंगा। तुम इतने अच्छे हो क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कर पाओगे? अपने पीछे देखो, अपने बंदूक नीचे रखो। हिलना मत, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। तुम हिलना मत। ओके, बहुत हो चुका मजाक। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो अपनी बंदूक फेंक दो। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। निशाना क्या होता है? सच में बेवकूफ कहेंगे। पकड़े रहो, छोड़ना मत। विल्सन से समझौता कर लेते हैं। संभावित बनावट क्षतिग्रस्त हो चुका है, मुझे बेकॉफ करने के लिए क्लियरेंस चाहिए। प्लेन का ETA क्या है? करंट रेट और ऊंचाई देखते हुए लगभग 15 मिनट। और डेटा डाउनलोड का स्टेटस क्या है? इसे 9 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए, अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो। कैप्टन से मेरी बात करवाओ। डन। कैप्टन, तुम्हारे प्लेन का स्टेटस क्या है? वो पायलट कोई जवाब नहीं दे रहा है, इमरजेंसी है, अनुरोध कर रहा हूँ कि टेकऑफ के लिए क्लीयरेंस चाहिए। कैप्टन, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दो। मैं चाहता हूँ तुम कंट्रोल रूम में जाओ और डेटा डाउनलोड को सुरक्षित करो। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं कॉकपिट छोड़ रहा हूँ जब तक ये प्लेन लैंड नहीं हो जाता। ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर है कैप्टन। कैप्टन, तुम ठीक हो? जेम्स, बोतल, ध्यान रखो अपना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम लोग मुझे आखिर बताओगे कि आप क्या चल रहा है? डैनी, डैनी, तुम्हें गोली लग गई है।
अपलोड को रोको अभी। डैडी अपने आप को संभालो, मैं वापस आऊंगा। अपलोड पूरा हो गया है, हम लोग 10,000 फीट से नीचे हैं। मुझे मास्क की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है प्लेन कैसे उड़ाते हैं? इन कमीनों से थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बस कॉकपिट में ले चलो। ठीक है भाई, चलो ये करते हैं। तुम्हें ये मिला? मेरी बात सुनो, तुम्हें इस प्लेन से निकलना होगा। प्लेन से निकालना होगा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पैराशूट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। स्टीव, तुम जीना चाहते हो ना? अगर तुम प्लेन से निकलना चाहते हो तो पैराशूट पहनो और यहाँ से निकलो। डैनी क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? सिस्टम को ऑनलाइन मोड पे डाल रहा हूँ। हमने अभी अभी दुनिया को बचाया है, इसे वापस क्यों मोड़ना चाहते हो? थॉर के हैमर का वन मोर स्विंग। नहीं, मेरी बात सुनो, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। स्टीव, जिंदगी में एक बार कम से कम मेरी बात तो मानो। मैं इस जेट स्ट्रीम को बेस पर ले जा रहा हूँ। इस पूरे प्रोग्राम को अभी यहीं पर खत्म करना होगा। पैराशूट बांधो और यहाँ से निकलो। मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी तरफ देखो, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। शायद मेरी 10 मिनट की और जिंदगी बाकी है। हम दोनों जानते हैं कि एक ही तरफ की ट्रिप है, लेकिन हम हार नहीं सकते, क्योंकि हम हारे तो शॉ जीत जाएगा। नहीं भाई नहीं, हमें बेस से बाहर निकलना होगा। हम इसे लैंड कराएंगे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। बात समझने की कोशिश करो। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम पैराशूट पहनो। चलो, देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे ठीक करने का एक मौका दो। चलो निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अगली बार तुम्हारे पास कोई कमाल का आइडिया हो तो उसे अपने तक ही रखना। अब जाओ। सर, प्लेन ट्रैक हो चुका है, वो वापस जा रहे हैं। डाउनलोड पूरा हुआ? हाँ सर, हमने कर लिया है। पायलट का कोई जवाब? नेगेटिव, पैलेट से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एंटी क्राफ्ट बैटरीज एक्टिवेट करो। सर, प्लेन को टारगेट करो प्लीज। सर, ये हमारा ही प्लेन है। एक बेकार प्लेन है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है। टारगेट करो तुरंत, सैटेलाइट पर रखो। ओके सर। वो जेट स्ट्रीम को हमारे राइट साइड में खींच रहे हैं। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूं। ब्लास्ट शील्ड खोल दो, मैं देखना चाहता हूं बाहर क्या चल रहा है। ये हमारी तरफ आ रहा है। हवा की स्पीड 800 मील प्रति घंटा। वेपन्स तैयार हैं। फायर।
डायरेक्ट हिट सर, प्लेन खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ पूरा बेस लॉक कर दिया जाए, जाओ शुरू हो जाओ। सार्जेंट, जो डाउनलोड हुआ है उसे सिक्योर और इनक्रिप्टेड चाहता हूँ ASAP। जी सर। सर ये फिर से आ रहा है सर। ये सच में बुरे दिन में बदल चुका है। खूबसूरत है। ये सब बंद करो, सब कुछ बंद करो। थॉर का हथौड़ा कभी था ही नहीं, बात समझ आई? हेलो स्टीव। हे एंजल, अब बताओ तुम कैसी हो बेबी? तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी हो सकती हूँ? मुझे बस ये बताना था कि चाबियां मेल बॉक्स में हैं। नहीं नहीं प्लीज एंजल, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जब तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम कहाँ हो? वो आवाज कैसी है? क्या तुम किसी दूसरे एयरपोर्ट पर हो? नहीं, अब मैं निश्चित तौर पर किसी एयरपोर्ट पर तो नहीं हूँ, लेकिन वो एक हेलीकॉप्टर है। रुको स्टीव, तुम अपना राइट हैंड हेलीकॉप्टर की तरफ वेव करोगे प्लीज? हे एंजल। हे एंजल, क्या ये तुम हो बेबी? हम हेलीकॉप्टर न्यूज के लाइव कवरेज के साथ बने हुए C-17 हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ ये आपको दिखा रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये दिया गया है कि मौसम हथियार का परीक्षण चल रहा था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिससे प्लेन क्रैश हो गया और मिलिट्री टेस्ट फैसिलिटी ध्वस्त हो गई। मौत सैकड़ों की हो सकती है, हालांकि हम अभी अगले रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। कब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये मैं हूँ, अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया ना, लेकिन मैं हूँ कहाँ? दुनिया में जहां वेदरमैन वाइल्ड हो गया, केवल एक ही इंसान है जिसके अंदर अंतर्ज्ञान की प्रतिभा बची है। फोरकास्ट की शक्ति जो आपके पास आ रही है, स्टीव सनी सिंपसन द वेदरमैन। कट। ठीक है भाई, मुझे लगता है हमें यह मिल गया। तुम्हें क्या लगा? हाँ, वो शानदार था, लेकिन मैं वहां फिर से जाना चाहता हूँ। ओके ओके, क्यों इसमें क्या? देखो, मैं सिर्फ निशान लेना चाहता था, मैं उसे पंप देना चाहता था, समझ गए ना? मैं रिक्टर चाहता हूँ सच में, इसके लिए मैं एक बार फिर जा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर तुम्हें कैमरा मिलता है तो तुम उसे थोड़ा सा नीचे लो करना, शायद वो क्रेन को थोड़ा नीचे कर दे, मैं वहाँ से बेहतर एंगल हासिल। ओके ठीक है, बड़े लेंस और कुछ लाइटें हो सके। अभी ये तुम क्या बात कर रहे हो यार? और हाँ, वेंड मशीन ऊपर हो रही है, क्रैंक बढ़कर 11। क्या तुम्हें यकीन? हाँ मैं इसे संभाल सकता हूँ, तुम्हें पता है ये सब मनोरंजन के लिए है राइट? चलो मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी सारी बात समझ में आ गई है, तो चलो। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ये आइडिया एक शो के लिए आया था। अच्छा, तुम्हें मेरी मैनेजर से बात करनी चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, तुम जानती हो यहाँ हर तरह की कहानियाँ चाइनीज और रशियन मौसम सुधार तकनीक में अपनाते हैं, और तुम्हें ये वेदरमैन वाइल्ड हो गया है, एक तरह के तुम वैज्ञानिक हो यार। मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकोगे, तुम रॉक थे और लाजवाब भी। हाँ भाई, तुम जानते हो दरअसल मैं ऐसा कुछ भी करने की सोच नहीं रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा सामान नहीं है, हमें नेचर के साथ मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। मतलब मेरे मन की यही इच्छा है, तुम क्या कहती हो? बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है समझ गए। ठीक है चलो इसे शूट कर देते हैं बेबी, कम ऑन। देखो बेबी, मैंने कहा था ना तुम इसी के लिए बने हो। और मैं तुम्हारे लिए बना था। वेद
बैटमैन वाइल्ड हो गया। ये बैटमैन वाइल्ड हो गया, हमने इसे कर दिखाया।